घायलों की क्या स्थिति है ये जानने के लिए हमारे संवाददाता मंजीत नेगी पहुंचे अस्पताल, वहां से उनकी ये रिपोर्ट देखिए। एनटीपीसी के टनल में जिन 12 लोगों को आईटीबीपी ने रेस्क्यू किया था, वो 7 घंटे का मुश्किल उनका समय था और वहां पर वीरेंद्र कुमार जो सबसे आखिर में जिनको निकाला गया था, उन्होंने निकलने के बाद एक खुशी जाहिर की थी, बदमशाल लाल का नारा लगाया था। उस मुश्किल हालात में क्या आपका अनुभव था? सर, अनुभव मेरा यही था कि जब लास्ट पोजीशन हो गई ना, हम लोगों की लास्ट में मरने की समय आ गई, तो मैंने एक दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली बद्री विशाल जी से कि हमारी जो टीम है हम सबसे पहले अपनी टीम को निकालेंगे, लास्ट में मैं निकलूंगा। और निकलने के बाद मैंने जयकारा लगाया। और उस 7 घंटे में क्या आप लोग करते रहे? मैंने 7 घंटे में अंदर सबको अंदर में मनोरंजन कराया, शायर व शायरी की, कुछ गाना गवाए, किसी को एक्सरसाइज करवाया। उस इसी तरीके से वो 7 घंटे इनको मैंने वहाँ एडजस्ट करे और लास्ट में इनको पहले इनको सबको निकाल दिया, लास्ट में मैं निकला हूँ और अपना जयकारा लगाया बद्री विशाल जी का। और मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई कि मैंने सबको सुरक्षित निकाल दिया। 12 लोगों की उस टीम में ये 2 वरिष्ठ लोग थे जो पूरे टीम का हौसला बढ़ाते थे। आपने मेहनत की, आपने गढ़वाली बनाया, आपका क्या अनुभव था? हमारा का ठंडी में पानी में हालत बिगड़ जा रहा है, पूरा शिवरिंग आ रहा है, बाड़ी कई लोगों का जूते में भी पानी गया, मेरा जूते में भी पानी गया, पूरा जूता भी चलने का नहीं पा रहा है, ठंडी बढ़ रहा है, सभी शिवरिंग हो रहा है। वही टाइम में हम लोग गढ़वाली गाना गाया, कई हमारा साथी नेपाली गाना गाया, थोड़ा एक्सरसाइज किया, इधर उधर 10 मीटर में इधर उधर बार बार उधर उधर घूमते घूमते ही हमारा बॉडी में गर्म ठंडा बचाने के लिए बॉडी गर्म करते करते ही हमारा ऐसा 3-4 घंटा ऐसा करते करते ही बाद में 4 बजे के बाद हमारा आईटीबीपी का सहारा से हम बाहर निकल गया। बाद में इधर हॉस्पिटल में लाके हम सबको बचा दिया, धन्यवाद आईटीबीपी को। तो ये अनुभव है इन सब तमाम लोगों का, किस तरह से उस 7 घंटे की जद्दोजहद में यहाँ पर जो लोग मौजूद, एक मोबाइल के कनेक्शन मोबाइल नेटवर्क आने के बाद बाहर जानकारी दी, उसके बाद आईटीबीपी ने वहां पर पहुंचकर इन लोगों को बाहर निकाला। कैमरामैन रितेश के साथ मंजीत नेगी, जोशीमठ, आस्था।